हेलो पोके फैंस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पोके मास्टर पे वापस से स्वागत है। दोस्तों, हम आज के इस नए वीडियो में टॉप 5 लेजेंडरी पोकेमॉन से जो कि इंडिया सीरीज पे अभी नहीं आ पाई है उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको पता चल सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिएगा, इस बिना देर के का टॉप 5 पोकेमोन आता है जिसका नेम है लूनाला, और ये जनरेशन 7 का पोकेमोन है, और ये पोकेमोन गोस्ट एंड साइकिक टाइप का पोकेमोन है। तो गाइस, अब हम इसके वीकनेस एंड इफेक्टिवनेस को देख लेते हैं। तो इसका वीकनेस है स्टील, बग, गोस्ट एंड डार्क टाइप, मतलब कि गाइस ये पोकेमोन इन टाइप्स के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से कमजोर होते हैं। तो इसका इफेक्टिवनेस है फाइटिंग एंड पॉइजन टाइप पोकेमोन के, मतलब कि गाइस ये पोकेमोन इन टाइप्स के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से ताकतवर होते हैं। तो अब हम इसकी पावरफुल एंड स्पेशल मूव्स को देख लेते हैं, जो है हाइपर बीम, ड्रीमीटर, मून गिस्ट बीम। तो गाइज, ये थे इन पोकेमोन के कुछ पावरफुल एंड स्पेशल मूव। तो गाइज, अब हम अपने लिस्ट के टॉप 4 पोकेमोन के तरफ बढ़ते हैं, जो कि जनरेशन 7 का पोकेमोन है, और उसका नेम है सोलगेलियो, जो कि साइकिक एंड स्टील टाइप का पोकेमोन है। तो अब हम इसके इफेक्टिवनेस एंड वीकनेस को देख लेते हैं। तो गाइज, इसकी इफेक्टिवनेस है फाइटिंग, पॉइजन, रॉक, आइस एंड फेरी टाइप पोकेमोन। तो इसका मतलब है ये पोकेमोन इन टाइप के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से ताकतवर होते हैं। तो इसकी वीकनेस है बग, स्टील, डार्क, फायर, ग्राउंड एंड फाइटिंग टाइप पोकेमोन के खिलाफ, मतलब कि ये पोकेमोन इन टाइप्स के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से कमजोर होते हैं। तो गाइज, इसके हम कुछ पावरफुल एंड स्पेशल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है गीगा इम्पैक्ट, फ्लेयर ब्लीज, सोलर बीम एंड सन स्टील स्ट्राइक जैसे कुछ पावरफुल एंड स्पेशल मूव। तो गाइज, हमारे लिस्ट का टॉप 3 पोकेमोन आता है जिसका नेम है यूएलटाल, जो कि डार्क एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है, और ये जनरेशन 6 का पोकेमोन है। तो गाइज, अब हम इसके इफेक्टिवनेस एंड वीकनेस को देख लेते हैं। तो इसके इफेक्टिवनेस है गोस्ट, साइकिक, ग्रास, फाइटिंग एंड बग टाइप पोकेमोन। तो गाइज, इसका मतलब है ये पोकेमोन इस टाइप के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से ताकतवर होते हैं। तो गाइज, अब हम इसकी वीकनेस को देख लेते हैं। तो इसका वीकनेस है फाइटिंग, डार्क, फेरी, इलेक्ट्रिक टाइप्स पोकेमोन के खिलाफ, मतलब ये पोकेमोन इंच टाइप के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से कमजोर होते हैं। तो गाइज, इस पोकेमोन के कुछ स्पेशल एंड पावरफुल मूव्स हैं जो कि हाइपर बीम, स्काई अटैक, फोकस ब्लास्ट एंड हरिकेन जैसे पावरफुल मूव। तो गाइज, हमारे लिस्ट का टॉप 2 पोकेमोन आता है जिसका नेम है जर्निया, जिसका टाइप है फेरी, और ये पोकेमोन जनरेशन 6 का पोकेमोन है। तो गाइज, अब हम इसके वीकनेस एंड इफेक्टिवनेस को देख लेते हैं। तो गाइज, इसके वीकनेस है स्टील, पॉइजन एंड फायर टाइप पोकेमोन्स के खिलाफ, मतलब कि ये पोकेमोन इन टाइप के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से कमजोर होते हैं। और इसकी इफेक्टिवनेस है फाइटिंग, ड्रैगन एंड डार्क टाइप पोकेमोन, मतलब ये पोकेमोन इन टाइप के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से ताकतवर होते हैं। तो गाइज, अब हम इसके पावरफुल एंड स्पेशल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है गीगा इम्पैक्ट, आउटरेज, क्लोज कॉम्बैक्ट एंड मेगा हॉर्न टाइप के कुछ पावरफुल। तो गाइज, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि हमारे लिस्ट का टॉप 1 पोकेमोन आ रहा है जिसका नेम है जायगार्ड, और ये पोकेमोन ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है, और ये जनरेशन 6 का पोकेमोन। तो गाइज, ये पोकेमोन 3 फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ये है, और ये सेकंड फॉर्म में तब आता है जब ये बहुत ही कमजोर हो जाता है, और ये सेकंड फॉर्म में आने के बाद कुछ ऐसा। तो गाइज, ये अपने थर्ड फॉर्म में तब आता है जब ये पोकेमोन बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो ये पोकेमोन अपने थर्ड फॉर्म में आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइज, अब हम इसके इफेक्टिवनेस एंड वीकनेस को देख लेते हैं। तो इसका वीकनेस है फेरी, आइस एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन के खिलाफ, मतलब कि ये पोकेमोन इन टाइप के पोकेमोन के खिलाफ थोड़े से कमजोर होते हैं। तो इसका इफेक्टिवनेस है इलेक्ट्रिक, फायर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन के खिलाफ, मतलब कि गाइज ये पोकेमोन इन टाइप्स के पोकेमोन के खिलाफ बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो गाइज, अब हम इसके पावरफुल एंड स्पेशल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है आउटरेज, ड्रैगन रेज, लैंड वेयर एंड क्विक अटैक जैसे कुछ पावरफुल मूव्स। तो गाइज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ आया तो इसे लाइक कर दो। तो अगर इन पोकेमोन के और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए
तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, अभी के लिए बाय।